हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अनदर क्लास लास्ट क्लास में हमने रिएक्शंस ऑफ फिनोल शुरू की ठीक है आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास में हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्टीटन रिएक्शन किसके फिनोल के, के जिसमें हमने तीन मेन रिएक्शंस हमने देखे हेलोजिनेशन नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन आज के बाद जो फिनॉल्स के हमारे पास चार और रिएक्शंस हैं वो सारे नेम्स रिएक्शन हैं यानी फेमस साइंटिस्ट उनके नाम पे ये रिएक्शंस का नाम रखा गया है तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन करने जा रहे हैं जो कि रिमर टाइमर रिएक्शन, जो हमारा रिएक्शन नंबर टू है किसके फिनॉल के ठीक है अब देखो रिमन टाइमर रिएक्शन है क्या ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एन एन अल्कली अगर आप फिनॉल का किसके साथ रिएक्शन करते हो क्लोरोफॉर्म के साथ क्लोरोफॉम पता है सी एच सी एल थ्री और किसके साथ एक अल्कली अल्कली मीन्स बेस तो फिनॉल्स आर कन्वर्टेड इनटू टू फिनोलिक एल डी हाइट यानी फिनॉल्स किस में कन्वर्ट होगा फिनोलिक एल डी हाइट में ठीक है अब देखिए ये हमारे पास फिनॉल आ गया फिनोल का किसके साथ रिएक्शन कराना है क्लोरोफॉर्म के साथ तो क्लोरोफॉर्म है सी एच सी एल थ्री दिस इज प्रेजेंस में बेस के प्रेजेंस में एन ए ओ एच लेंगे यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एट हम करेंगे थ्री 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 टू थ्री फोर थ्री कैलविन ठीक है अब देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा फिनोलिक एल्डिहाइड। फिनोल तो होगा ये हमारे पास फिनोलिक ग्रुप तो है ठीक है लेकिन एल्डिहाइडिक ग्रुप भी इस पे क्या हो जाएगा अटैच हो जाएगा और कहाँ पे जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे एल डी हाइड्रिक सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल एक साइड कार्बन है तो दूसरे साइड क्या होगा हाइड्रोजन होगा एल में एक साइड कार्बन एक साइड क्या होता है हाइड्रोजन होता है या दोनों साइड क्या होते हैं हाइड्रोजन होते हैं कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में कार्बन और दूसरे साइड में भी क्या होता है कार्बन होता है तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा जो कि क्या है फिनोलिक एल्डिहाइड है जिसका कॉमन नेम बहुत ही फेमस जो है वो है सेल्स ठीक है क्या होगा फिनोलिक एल्डिहाइड बनेगा जहां पे एल्डीहाइडिक ग्रुप बींग इंट्रोड्यूस ऑन द एरोटिक रिंग यानी एरोमेटिक रिंग पे क्या एल डी हाइडिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा कौन से पोजिशन पर इंट्रोड्यूस होगा ऑर्थोपोजिशन पे इंट्रोड्यूस होगा ओ एच के रेस्पेक्ट में ऑर्थोपोजिशन है ना फॉर एग्जाम्पल जब हम फिनोल को किसके साथ ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन एक्वस क्या एक्वस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को हमने वाटर में डिजोल्व किया है तो क्या बनेगा सेल्स एल डी हाइड बनेगा एज ए प्रोडक्ट ठीक है और अगर इस रिएक्शन को मैं बैलेंस करूं तो क्या बनेगा यहाँ तीन क्लोरीन है ना तो यहाँ तीन सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा सोडियम क्लोराइड तो इसलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा थ्री टाइम्स करना पड़ेगा और प्लस यहाँ पे दो क्या भी एलिमिनेट होंगे दो वाटर मॉलिक्यूल्स भी एलिमिनेट होंगे ये है रिमर टाइमर रिएक्शन रिमर टाइमर रिएक्शन क्या है क्लोरोफॉर्म और फिनॉल का रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस और क्या हो जाएगा जो एल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ एच किस पे इंट्रोड्यूस होगा ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना ओ एच तो कहाँ जाएगा एल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा नेक्स्ट जो हम रिएक्शन देखेंगे तो वहाँ हम देखेंगे जो एल ग्रुप है वो कहाँ पे जा रहा है वो जा रहा है पैरा पोजीशन पे ठीक है तो ये हो गया रिमर टेमर रिएक्शन ठीक है अब हम इस रिमर टेमर रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्लोरोफॉम इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस फिनॉल के साथ रिएक्ट करके एल्सल्डीहाइड बनाता है जहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा किसका फिनोक्साइड आयन का ठीक है और वो फिनोक्साइड आयन कैसे बनेगा बाय द एक्शन ऑफ अल्कली किस पे फिन पे देखिए अगर आप इस रिएक्टेंट को ध्यान से देखें रिएक्टेंट में हमने क्या लिया है एक तो लिया हमने फ़िनल दूसरा लिया है क्लोरोफॉम और क्या लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेस है ठीक है और बेस है क्योंकि इस OH पे क्या ना चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा और सोडियम पे क्या चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा अब देखिए अगर हम फिनॉल की बात करें ये फिनॉल है ठीक है फिनॉल में क्या है ऑक्सीजन है ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया फिनोल ठीक अब फिनोल किस में प्रेजेंट है फिनोल एक बेस में प्रेजेंट है बेस क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकिन फिनोल खुद क्या होता है एसिडिक इन नेचर होता है खुद क्या होता है एसिडिक इन नेचर होता है हाईली एसिडिक होता है कंपेयर टू अल्कोहल्स तो एसिड है एसिड किस में प्रेजेंट है बेस में प्रेजेंट है तो एसिड क्या एस इट इस बेस में प्रेजेंट रह सकता है ऐसा पॉसिबल नहीं है ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग जो बेस है एसिड को ऐसे रहने नहीं देगा अब बेस का क्या काम है बेस का काम है प्रोटॉन एब्सट्रैक्ट करना यानी प्रोटॉन को निकालना यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना और एसिड का क्या काम है प्रोटॉन को डोनेट करना तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है इस फिनॉल जो एसिड है वो इसको ऐसे रिएक्शन मिक्सचर में रहने नहीं देगा तो क्या करेगा ये बेस जो है किस में से फिनॉल में से प्रोटॉन ले लेगा तो यहां पे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी बिटवीन एसिड एंड ए बेस तो क्या करेगा एसिड क्या लूज करेगा एसिड एच पॉजिटिव लूज करेगा एच पॉजिटिव अगर लूज करेगा तो ये ऑक्सीजन है ऑक्सीजन पे क्या आएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आएगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और बेस क्या देगा ओ एच नेगेटिव ओ एच नेगेटिव और एच पॉजिटिव एक दूसरे के साथ कंबाइन होके वाटर बनाएगा और एन ए पॉजिटिव किसके साथ जाएगा ओ नेगेटिव के साथ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और क्या बना एक सॉल्ट बना केटाइन और एनाइन प्लस क्या रिलीज हो गया वाटर रिलीज हो गया तो जब भी आप फिनॉल को लोगे बेस में तो ये हमें फिनॉल नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि बेस जो है फिनॉल को एस एट इस रहने नहीं देगा क्योंकि फिनॉल एसेटिक है तो किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा सोडियम क्योंकि एनए पॉजिटिव है अब इसको हम क्या बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका काउंटर आयन सोडियम हमने यहाँ पे लिख लिया ठीक है तो बेस में जो फिनॉल होगा वो ऐसे कैसे एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ए सोडियम फिनॉक्साइड आयन ये जो बेस में फिनॉल जो है क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा यानी बेस में अगर आप फिनॉल को एड करोगे तो हमें फिनॉल नहीं मिलेगा क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा एक सॉल्ट का तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं तो सॉल्ट क्या बनेगा सोडियम फिनोक्साइड ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज यानी न्यूक्लियोफाइल पे अब कौन अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कौन अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल ये इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर सकता है डोनेट कर सकता है जिसकी वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा इंक्रीज होगा और ये सोडियम फिनोक्साइड है एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लोफाइल की तरह एक्ट करेगा अब इस सोडियम फिनोक्साइड पे किसका अटैक होगा एक इलेक्ट्रोफाइल का अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है अब इस केस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा डाइक्लोरोकार्बीन कौन होगा डाइक्लोरोकार्बीन याद कीजिए इंटरमीडिएट्स इंटरमीडिएट्स में हमने छः क्या पढ़े थे इंटरमीडिएट्स पढ़े थे जिसमें से पाँच इंटरमीडिएट ये आ गए तो ये पाँच आ गया कार्बो आया कार्बो एनाइन आया फ्री रेडिकल आया ठीक है Benzine भी आया जहाँ हमने निक्लोफिलिक्सिट्यूशन रिएक्शन देखा बेंजीन का चार आओगे आज पांचवा आ गया कार्बिन सिर्फ नाइट्रीन नहीं आया है ठीक है तो इस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेमन टर्मर रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या होगा डाइक्लोरोबीन होगा अब ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हो गया तो हमने देख लिया कैसे जनरेट होता है ये इलेक्ट्रोफाइल यानी डाइक्लोरोबिन कैसे जनरेट होगा जब ये जो अलकली है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ देखिए क्लोरोफॉर्म क्लोरो क्या है सी एच सी एल थ्री अगर ये किसके साथ रिएक्ट करेगा अलकली के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जहां ओ पे क्या चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो ये ओ क्या कर लेगा क्लोरोफॉर्म से एच पॉजिटिव ले लेगा क्या ले लेगा एच पॉजिटिव तो देखिए क्या बनेगा सी के साथ कितने क्लोरीन अटैच होंगे तीन क्लोरीन ठीक है एक जो क्या था एच पॉजिटिव था वो एच नेगेटिव के साथ मिलके क्या बना दिया वाटर बना दिया अब देखिए ये एच पॉजिटिव गया ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका होगा ये दूसरा इलेक्ट्रॉन एच का जो यहाँ से एच पॉजिटिव के फॉर्म में गया है अब इस कार्बन ने क्या गेन कर लिया एक इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से कार्बन पे क्या चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज अब इस सी सी एल थ्री नेगेटिव में से क्या निकल जाएगा क्लोराइड आयन निकल जाएगा सी एल नेगेटिव सी एल नेगेटिव बाहर निकल जाएगा बचा क्या देखिए कार्बन है कार्बन के साथ कितने क्लोरीन है अब दो क्लोरीन है अब देखो इसने इस सी एल किस फॉर्म में गया सी एल नेगेटिव दैट मीन्स अपना इलेक्ट्रॉन और किसका इलेक्ट्रॉन लेके गया कार्बन का तो कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया लूज लेकिन कार्बन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था नेगेटिव चार्ज था अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो कार्बन क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा तो कार्बन न्यूट्रल है दो क्या है क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है और इस पे कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है जिसको हम क्या बोलेंगे डाई -क्लोरो, क्योंकि दो क्लोरीन है और कार्बीन हमने किसे कहा था वो कार्बन जो डाइवेलेंट है दो बॉन्ड बना रहा है और जिसके पास दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कराते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराते हो तो डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा जो एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करेगा एक्ट करेगा क्यों क्योंकि ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है देखिए एक दो तीन चार पाँच छः इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट पूरा करने के लिए अभी भी इस कार्बन को दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये आसानी से ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा किस पे अटैक करेगा फिनोक्साइड आयन पे अटैक करेगा और रिमर टेमर रिएक्शन हो जाएगा देखिए डाइक्लोरो जो कार्बीन है जो हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट या इलेक्ट्रोफाइल बना वो किस पे अटैक करेगा इस फिनोक्साइड पे, और क्या बनाएगा बेंजल डेरिवेटिव तो यहाँ मैं पहले क्या बना देता हूँ फिनोक्साइड आयन बना देता हूँ ये हो गया फिनोक्साइड आयन जहाँ ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज और सोडियम पे क्या चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज ठीक है। अगर इस पे कौन अटैक करेगा इस पे आप अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है कार्बीन है तो कैसे होगा देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये कहां शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ठीक है हो गया लेकिन इस कार्बन का पाँच बॉन्ड पॉसिबल नहीं है ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ये कार्बन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया ये कार्बन इन दो इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके किसके साथ बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, साथ किसकी कार्बिन की और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशेंसी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो देखिए यहाँ पे क्या बना ये रहा ये रहा डबल बॉन्ड ओ आ गया देखो इस कार्बन के साथ ऑलरेडी पहले से एक हाइड्रोजन था ठीक है बेंजीन के कार्बन के साथ तो होता ही है अब ये कार्बन इस दो इलेक्ट्रॉन को यूज करके किसके साथ बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ और कार्बन के साथ कितने क्लोरीन अटैच हैं दो क्लोरीन अटैच हैं ठीक है थीके? और इस कार्बन ने देखो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्यों क्योंकि देखो ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहा किसने दिए इस कार्बन ने दिए ना तो इस कार्बन ने इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया गेन कर लिया जिसकी वजह से कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अब देखो कार्बो एनाइन है कार्बो एनाइन मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच हो गया कार्बो एनाइन क्या हो गया इलेक्ट्रॉन रिच ठीक है अब इलेक्ट्रॉन रिच को क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या कर लेगा इस प्रोटॉन को एब्सट्रैक्ट कर लेगा किसको इस प्रोटॉन को एब्सट्रैक्ट कर लेगा जो इस कार्बन पे है इसको इलेक्ट्रॉन देना है तो किसको देगा इस प्रोटॉन को अब ये प्रोटॉन अगर चला जाएगा तो दो इलेक्ट्रॉन है ना ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में इसका पांच बॉन्ड पॉसिबल नहीं है तो ये दो इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका काउंटर आयन एन ए पॉजिटिव होगा ठीक है यहाँ फिर से बॉन्ड फॉर्म हो गया क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स किसके हाइड्रोजन और कार्बन के कहाँ शिफ्ट हो गया कार्बन और कार्बन के बीच में H पॉजिटिव यहाँ से क्या हुआ रिलीज हुआ तो ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा कार्बन पे जाएगा जिस पे क्या चार्ज है नेगेटिव चार्ज है और कार्बन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा जो न्यूट्रल हो जाएगा ठीक है यानी ये हमारा क्या बन गया बेंजल बेंजलिवेटिव ठीक अब इस बेंजल डेरेवेटिव का क्या होगा अल्कलाइन हाइड्रोलिस बेस के साथ हाइड्रोलिस होकर हमें क्या दे देगा एल दे, दे देगा देखिए मैं बेंजल डेरेवेटिव को यहाँ फिर से लिख देता हूँ ये रहा हमारा बेंजीन जिसके साथ ओ नेगेटिव है जिसका काउंटर आयन क्या है एन पॉजिटिव है अब इसके साथ क्या जोड़ा है कार्बन कार्बन के साथ दो क्लोरीन और एक हाइड्रोजन इसको जब आप ट्रीट करोगे किसके साथ ओ एच एल्कलाइन करना है तो बेस के साथ ट्रीट करना पड़ेगा एन एच OH, जहां एन ए पे पॉजिटिव चार्ज और ओ OH एच पे क्या चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज ये ओ OH एच किस पे अटैक करेगा कार्बन को सी एल को निकाल देगा ठीक है ओ नेगेटिव है और एन ए क्या है पॉजिटिव है देखिए कार्बन है कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ओ एच ने किया कार्बन पेटैक किस को निकाल दिया सी एल नेगेटिव को इसके साथ दूसरा सी नेगेटिव भी है तो दूसरा ओ एच आएगा कार्बन अटैक करेगा दूसरा सी एल को निकाल देगा तो कितने सीएल निकल जाएंगे दो एन ए सी एल कितने कंज्यूम होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड दो सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम होगा अब देखिए एक ही कार्बन पे कितने हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं दो ओ एच ग्रुप हैं तो एक ही कार्बन पे दो ओ एच ग्रुप हमेशा अनस्टेबल होता है और जब भी एक ही कार्बन पे दो ओ एच ग्रुप प्रेजेंट हो तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा डिहाइड्रेशन होगा वहाँ पे हमेशा क्या होगा डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर ठीक है क्योंकि एक ही कार्बन पे दो एच ग्रुप हाईली अनस्टेबल होता है तो एक कार्बन से ओ एच और एक कार्बन से एच जाएगा तो बचा क्या क्या निकल गया वाटर निकल गया तो वाटर निकल गया तो क्या बचा देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है एन पे क्या चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है वाटर निकल गया तो सी के साथ एच बचा अब देखो कार्बन के साथ क्या बचा सिर्फ एक ऑक्सीजन तो कार्बन का तीन बॉन्ड ऑक्सीजन का सिर्फ एक है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा एल अटैच हो गया और पोजिशन से ये अभी भी ओ नेगेटिव है ठीक है फिनॉक्साइड आयन अभी भी है ठीक है क्योंकि पूरा रिएक्शन हमने कौन से मीडियम में किया है बेसिक मीडियम में किया है अब क्या होगा ये हमारा प्रोडक्ट बन गया इसको हम बाहर निकालेंगे लेकिन ये तो फिनॉक्साइड है फिनॉल तो नहीं है तो इसका हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ एसिड के साथ बात रिएक्शन खत्म होने के बाद जो वर्कअप करेंगे वो हम किसके साथ करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड क्या है एच पॉजिटिव है तो एच पॉजिटिव कहां जाएगा ओ नेगेटिव पे तो एच बन जाएगा और क्या जुड़ा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड ओ एच जो कि क्या हो गया हाइट प्रोडक्ट बन गया ये था मैकेनिज्म किसका रेमर टेमर रिएक्शन का जहां पे हमने कहा फिनोल जो है एसिड है बेस में एसिटिस नहीं रह सकता तो एसिड और बेस का रिएक्शन होगा सॉल्ट बनेगा जो सोडियम फिनोक्साइड है और वाटर रिलीज होगा यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा इस फिनोक्साइड आयन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा जो कौन करेगा इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इस केस में क्या है डाइक्लोरोबिन जो कैसे जनरेट होगा जब क्लोरोफॉर्म पे कौन अटैक करेगा बेस का ओ नेगेटिव ठीक है और फिर उसके बाद डाइक्लोरोबीन क्या होगा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो फिनो ऑक्साइड आयन पर अटैक करके बेंजल डेरेवेटिव बनाएगा बेंजल डेरेवेटिव का जब आप अल्कलाइन हाइड्रोलिस यानी ओ एच नेगेटिव के साथ हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बन पे दो एच अटैच हो जाएगा एक कार्बन पे दो एच एम, स्टेबल नहीं है तो इसका डिहाइड्रेशन हो गया वाटर रिमूव हो जाएगा तो और पोजिशन पर एल ग्रुप आ गया फिनो ऑक्साइड आयन है लेकिन क्योंकि फिनॉक्साइड आयन इसलिए बन रहा है क्योंकि बेसिक मीडियम में है तो ये हम प्रोडक्ट बाहर निकाल लेंगे और वर्कअप करेंगे एक डायल्यूट एसिड के साथ और प्रोडक्ट हमें क्या दे देगा सेल सेल डी हाइट यह था रिमर टेमर रिएक्शन अब फिनॉल का जो हमारा थर्ड रिएक्शन है वो कौन सा है वो है गेटरमेन सिंथेसिस अब देखिए गेटरमेन सिंथेसिस में क्या होता है

फिनॉल को ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ यानी रिएजेंट हाइड्रोजन साइनाइड होगा और किसके साथ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ यानी एच सी ऑल एच सी एन हमारा क्या होगा रिएजेंट होगा इन गैटर्मिन सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस विदाउट वाटर अल्मोनियम क्लोराइड यानी फिनॉल का अगर आप रिएक्शन करोगे हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस हाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड तो प्रोडक्ट फिर से फिनॉलिक एल्डिहाइड बनेगा जो हमें किस में मिला था जो प्रोडक्ट हमें रिमन टाइमर रिएक्शन में मिला था फर्क क्या होगा फर्क ये था रिमन टाइमर रिएक्शन में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था वो कहाँ अटैच हो रहा था ऑर्थो पोजीशन पे गेटरमिन में, में एल्डिहाइडिक ग्रुप कहाँ अटैच होगा पेरा पोजीशन पे ठीक ये मैंने बना लिया फिनॉल फिनॉल पे बेंजीन रिंग पे ओएच ग्रुप होगा तो फिनॉल बना ठीक है अब फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ करना है हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ यानी एच सी एन प्लस क्या एच सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस हाइड्रस क्लोराइड तो ए एल सी एल थ्री बी प्रेजेंट होना चाहिए ये फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा और ये सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा फिर से फिनोलिक एल्डिहाइड जो हमें एज ए प्रोडक्ट मिलेगा और ओ OH ग्रुप है फिनोल का और लेकिन एलडीहाइडिक ग्रुप अब ऑर्थो के बजाय कहाँ चला जाएगा ऑर्थो के बजाय पैरा पे चला जाएगा और द एलडीहाइड ग्रुप गेट अटैच प्रिफरबली एट पैरा पोजिशन ठीक है रेमन टाइमर में जो एल्डीहाइडिक ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एच या सी एच ओ कहाँ अटैच हो रहा था ऑर्थो पे, लेकिन गेटरमिन में, में कहाँ अटैच होगा पैरा पे अटैच होगा और किसके प्रेजेंस में होगा हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अलमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में फिनॉल जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिनोलिक एल्टीहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा अब हम गैटर्मिन सिंथेसिस का क्या देखेंगे मैकेनिज़्म देखेंगे अब देखिए इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सिट्यूशन है यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल जो है एरोमेटिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन होगा किस पे फिन पे अटैक करेगा ठीक है और वो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या होगा फॉर्मेलडीनियम आयन होगा इस केस में क्या होगा फॉर्मेलडीनियम आय रेम टेमर में कार्बिन था वो कैसे बनेगा फॉर्मेलडीनियम आयन जब आप हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन कराओगे किसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्मोनियम क्या क्लोराइड ठीक एंड हाइड्रोज अल्मोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर आप रिएक्शन कराओगे तो एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जो क्या है फॉर्मेलडीनियम आयन जो फिर अटैक करेगा किस पे फिन पे ठीक तो कैसे हो रहा है देखिए हाइड्रोजन साइनाइड है तो एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन होगा ठीक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एच सी एल देखिए ये एसिड है एच पॉजिटिव लूज करेगा तो कहाँ जाएगा एच सी एन के कहा जा सकता है नाइट्रोजन क्योंकि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन एब्सट्रैक्ट करेगा तो यहां से क्या निकल जाएगा सी एल नेगेटिव तो देखिए क्या बना एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन एन अब किसके साथ जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ ये जो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास रहा एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने किसको दे दिया हाइड्रोजन को जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है तो एच डबल बॉन्ड एन एन का क्या एच के साथ अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड में से दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे चला गया नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो पॉजिटिव चार्ज हट गया लेकिन कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या निकलेगा सी एल नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट है सी एल पे नेगेटिव चार्ज है तो ये कहाँ अटैक करेगा कार्बन पे अटैक करेगा और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा एच सी सी के साथ आप क्या जुड़ गया क्लोरीन डबल बॉन्ड एन एन के साथ क्या है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पे क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होगा जब एच सी एन किसके साथ रिएक्ट करेगा एच सी एल के साथ हाइड्रोजन साइनाइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, साथ, साथ अटैक करेगा लेकिन यहाँ पे किसके प्रेजेंस में भी होना है एनहाइड्रस अलूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में तो ये एच सी सी एल डबल बॉन्ड एन एच है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा ये रिएक्ट करेगा एनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड के साथ ठीक है अब ये जो क्लोरीन है जिसके पास कितने लोन पेयर प्यराव इलेक्ट्रॉन है तीन ये किस पे अटैक करेगा अल्मोनियम क्लोराइड के अल्मोनियम पे जो कि हमारा क्या था जो किसके तरह ऐड करता है जो एज ए लिवस एसिड की तरह ऐड करता है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा एक्सेप्ट तो एच आ गया सी आ गया डबल बॉन्ड एन है एन के साथ क्या है हाइड्रोजन है ठीक है और ये सी किस के साथ जुड़ा है क्लोरीन अब क्लोरीन ने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट किया क्लोरीन और अल्मोनियम के बीच में अब देखो इस अल्मोनियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया गेन जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्लोरीन ने लूज किया तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज तीन लोन पेयर थे जिसमें से अब दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा ठीक है क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है तो यहाँ से ये क्या कर लेगा कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ठीक है तो जिसकी वजह से क्या बनेगा ए एल सी एल फोर लेकिन अल्मोनियम पे अभी भी क्या चार्ज है नेगेटिव चार्ज है क्यों क्योंकि अल्मोनियम पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले लिया कार्बन से और इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया अब देखिए कार्बन है डबल बॉन्ड एन एच है कार्बन के साथ एक क्या है हाइड्रोजन है अब देखिए ये कार्बन ने क्या दिया एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया क्लोरीन को इस कार्बन पर क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया इलेक्ट्रोफाइल जो क्या है फॉर्मलडीनियम आयन है इसको हम क्या बोलेंगे फॉर्मल डीमीनियम आयन जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और फिर किस पे अटैक करेगा ये फॉर्मलडीनियम आयन फिर अटैक करेगा फिनॉल पे और हमें क्या देगा एल्ट देखिए कैसे होता है ये फिनोल है ठीक है अब फिनोल पे पहले फॉर्मल्डीनियम आयन अटैक नहीं करेगा उससे पहले ये फिनोल का जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा किसके साथ अल्मोनियम क्लोराइड के साथ तो देखिए यहां से क्या होगा ये जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन पे जो क्या है एच है वो यहाँ से क्या निकाल लेगा सी एल नेगेटिव निकाल लेगा और क्या हो जाएगा एच सी एल बन जाएगा और क्या बन जाएगा एच सी एल देखिए क्या होगा जो क्लोरीन होगा किस्प के साथ जो उड़ जुड़ा हुआ है अल्मोनियम के साथ तो सी एल नेगेटिव यहाँ से निकलेगा सी एल नेगेटिव जो है हाई ओ एच से क्या एपस्ट्रैक कर लेगा एच पॉजिटिव तो एच अब पॉजिटिव एप्स्ट्रैक कर लेगा तो ऑक्सीजन के पास क्या रहेगा तीन लोन पे अब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्योंकि H का भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा शिफ्ट और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज Cl नेगेटिव ने H पॉजिटिव ले लिया तो क्या हो गया एच पॉजिटिव लेके क्या बना दिया एच ठीक है तो यहाँ ए में से क्या निकला था सी नेगेटिव जिसने एच पॉजिटिव को करके बनाया और जिसकी वजह से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अब ए एल सी एल थ्री में से क्या निकला था सी एल नेगेटिव यानी क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन और अल्मोनीम का इलेक्ट्रॉन दोनों ने लेके का कहाँ गया है बाहर जिसकी वजह से ए एल सी एल टू बचा जिस पे अल्मोनियम पे क्या चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा ठीक है अब ये जो है अटैक करेगा फिनॉक्साइड आयन बनाना अब ये फिनॉक्साइड आयन अटैक करेगा किस पे इलेक्ट्रोफाइल पे और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और फॉल आयन है तो वही सेम चीज जो हमने किस में किया था रिमन टेमर में ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ जाएगा जैसे रिमन टेमर में हो रहा था ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा इन दो कार्बनस के बीच में और ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इस कार्बन का पाँच बॉन्ड पॉसिबल नहीं है ना ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा किस कार्बन पर पैरा पोजिशन पे और पैरा पोजिशन इन दो इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके किसके साथ बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ जिसपे क्या चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो देखिए क्या बना यहां पे एक बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा ठीक है अब बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा इन दोनों कार्बन के बीच में अब इस पैरा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था अब इस पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ गया सी एच डबल बॉन्ड एन एच जो हमारा क्या था इलेक्ट्रोफाइल था ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये जो एल सी एल फोर था ठीक है जहाँ पे अल्मियम पे क्या था नेगेटिव चार्ज और किसके साथ अल्मोनियम चार क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ था ये सी एल नेगेटिव रिलीज़ करेगा और सी एल नेगेटिव यहाँ से क्या एप्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन एब्सट्रैक्ट करेगा H पॉजिटिव तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन और कार्बन के बीच में पांच बॉन्ड पॉसिबल नहीं है तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे क्या अटैच है सी एच डबल बॉन्ड एन एच ठीक है यहाँ डबल गया यहाँ आ गया यहां आ गया अब ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है नेगेटिव चार्ज और H और Cl एल मिलकर एच बनाया था एसिड है जो H पॉजिटिव लूज करेगा तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा O नेगेटिव पे तो ओ OH एच बन जाएगा यानी फिनॉल बन जाएगा तो इस स्टेप में किस चीज का फॉर्मेशन हो गया एल्ड इमाइन का तो एल्ट इमाइन को जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट फिनोलिक एल और ये जो फॉर्मल ग्रुप होगा वो कहाँ पे बनेगा पैरा पोजीशन पे बनेगा विथ रेस्पेक्ट टू ओ एच ग्रुप और अगर पैरा पोजीशन किसी भी तरीके से क्या है ब्लॉक्ड है यानी यहाँ पे कोई और पहले से ही कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो ये जो क्या होगा सी एच ओ ग्रुप होगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा फिर ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे कब फॉर्म होगा अब अगर पैरा पोजीशन पहले से ही किसी ग्रुप ने क्या कर रखा है ब्लॉक कर रखा है अब ये एल्ड अमाइन किस तरह से हाइड्रोलिसिस होके क्या दे देगा हमें फिनोलिक एल्डिहाइड दे, दे देगा देखिए ओ एच है यहाँ पे क्या अटैच है सी एच डबल बॉन्ड एन एच अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा एसिड के साथ नाइट्रोजन के पास क्या है नाइट्रोजन के पास लोन लॉन इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ अटैक करेगा एच पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट को क्या दे देगा इलेक्ट्रॉन दे, दे देगा जिसकी वजह से क्या होगा देखिए सी एच डबल बॉन्ड एन एच टू लेकिन नाइट्रोजन ने दोन एक इलेक्ट्रॉन किस को दे दिया हाइड्रोजन को जिसकी वजह से इस पर क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज अब देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले लेगा ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन से तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा ले 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 तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो उसपे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन करेगा वाटर करेगा इसलिए यहां पे क्या हो रहा है, है। अब देखिए एच है अब देखो सी किसके साथ अटैच हो गया एन टू अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है एच है एच है अब ऑक्सीजन के पास दो लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन था एक इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो गया तो इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा अब देखिए यहाँ पे तो सी एच ओ लगाना है ना तो नाइट्रोजन किसी भी सूरत हाल में कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा तो ना एन एच टू को क्या करना पड़ेगा एन एच टू को बाहर निकालना पड़ेगा लेकिन एन एच टू जो है बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है तो इसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में पहले क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा अच्छा लिविंग ग्रुप क्या है NH2 टू नहीं है NH3 थ्री है क्योंकि एनएच थ्री इज अमोनिया एक स्टेबल कंपाउंड है जो आसानी से बाहर निकल के जाएगा तो इस केस में क्या होगा प्रोटॉन ट्रांसफर होगा ये जो एच यहाँ से एच पॉजिटिव कहाँ जाएगा एच पॉजिटिव जाएगा नाइट्रोजन पे तो यहाँ क्या हो जाएगा एक प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा देखिए कैसे हो रहा CH है प्रोटॉन ट्रांसफर सी एच है यहाँ क्या जुड़ा ओ OH. एच ठीक अब यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा दैट मीन्स एक ये दो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया H पॉजिटिव जाएगा तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हो गया ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो ऑक्सीजन पे दो इलेक्ट्रॉन हो गया न्यूट्रल हो गया तो इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है एन एच टू जुड़ा हुआ है अब H पॉजिटिव नाइट्रोजन के साथ अगर जुड़ना है तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देने पड़ेंगे नाइट्रोजन को जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज लेकिन एनएच थ्री बना जो कि एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है तो कैसे लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा यह जो लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन का पांच बॉन्ड पॉसिबल नहीं है तो यहां से क्या नहीं रिलीज हो जाएगा एनएच यानी अमोनिया ठीक ग्रुप है तो यहां क्या अटैच है सी के साथ एच था अब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन एक ही लोन पेयर प्यार इलेक्ट्रॉन है अब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया था जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है पॉजिटिव चार्ज प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट बन गया प्रोडक्ट बन गया ना प्रोडक्ट में क्या होना था फिनॉल ग्रुप सी डबल वन ओ एच बना सिर्फ क्या है ऑक्सीजन पे एक प्रोटॉन है जो क्या कर जाएगा लूज कर जाएगा एच पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा और एच पॉजिटिव अगर निकल गया तो हमें क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट मिल जाएगा ओ एच फिनोल बना कार्बन है कार्बन के साथ अब डबल बॉन्ड है और एचे देखो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से ही था ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और एक इलेक्ट्रॉन किसका हाइड्रोजन का, का कहाँ शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे तो ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो प्रोडक्ट हमारा बना क्या फिनोलिक एल्डिहाइड हाइट जहां पर एल डी के कौन से पोजीशन पे जुड़ा हुआ है पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है यह था गैटर्मेन सिंथेसिस जहाँ पे फिनॉल फिनॉलिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा जिस तरह से रिमन टैमर में हो रहा था लेकिन एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा वो कहाँ जाएगा पैरा पोजिशन पे जाएगा रिमन टैमर में कहाँ गया था ऑर्थो पोजिशन पे गया था ठीक है किसके प्रेजेंस में होगा हाइड्रोजन साइनाइड एच और अल्मोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जो हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देगा जो कि है फॉर्मल डीनियम आयन और ये इलेक्ट्रोफाइल फिर बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा फिनॉल के और क्या दे देगा अल्टअमीन अल्ट अमीन का जब आप हाइड्रोलिस करोगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे ठीक है तो हमें क्या दे देगा प्रोडक्ट दे देगा और प्रोडक्ट हमारा क्या है प्रोडक्ट हमारा है एल डी हाइडिक जहां एल डी हाइडिक ग्रुप पैरा पोजिशन पे अटैच है थैंक यू वेरी मच ठीक है फिनॉल्स के अब दो रिएक्शंस बचते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे सी यू इन नेक्स्ट क्लास